नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महामारी के कारण स्कूल छोड़ने वाले लड़कों को कथित तौर पर उसके पिता और चाचा द्वारा शराब बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस बारे में एक वीडियो सामने आया था जिसमें नाबालिग को ग्राहकों को शराब बेचते देखा जा सकता है। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़के के स्कूल जाना बंद कर दिया था और शराब बेचने को इनकार करने पर उसके पिता ने उसे पीटा था। आरोपी पिता और उसके चाचा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जेजे एक्ट और अबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खीरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय धुल ने बताया कि परिवार पिछले 2 साल से ये धंधा चला रहा था। लड़का 2 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटा है। उसे नियमानुसार बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। उसके पिता और चाचा पर अबकारी अधिनियम की धारा 62 और 272 और किशोर न्याय की धारा 78 के तहत मामला दर्ज किया गया है। CWUC ने हालांकि एक अपवाद बनाया है और गुरुवार को लड़कों को उसकी मां को वापस सौंप दिया क्योंकि उसे पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है। सक्सेना ने कहा, चाइल्ड लाइन टीम बच्चों पर नजर रखेगी और हम लड़के को एक लाभार्थी योजना के तहत नामांकित करने का प्रयास करेंगे जहां हर महीने 2000 रुपये का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।